हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज नेहा पटेल। एंड कैसे हो आप सब लोग? सो गाइज, एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला हुआ था 10 डेज स्टडी रूटीन के ऊपर। एंड मैंने उसमें पूछा था कि आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए, 1 डे रिविजन वाला या मोटिवेशनल। सो मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल, मतलब समझ लो 99.99% लोगों ने बोला कि हमें 1 डे रिविजन स्ट्रेटजीज चाहिए। सो हियर यू गो। मैं आपको बता दूं तो मुझे पता है कैसा होता था। एक दिन में जब मेरा एग्जाम होता था, मुझे कल वापस एग्जाम देने जाना होता था, तब मुझे था कि भाई मेरा स्कैनर भी होना चाहिए, मेरा मॉड्यूल भी होना चाहिए, मेरे माइंड मैप्स भी होने चाहिए, मेरा रिविजन भी होना चाहिए, मेरा राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। मेरे अंदर ये सब था कि ये सब कुछ होना चाहिए तो ही मुझे कॉन्फिडेंस आता था। एंड ट्रस्ट मी, ये सब कुछ मेरे से वो थोड़े घंटों में हुआ भी। कैसे हुआ वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो कुछ टाइम पास नहीं करते, सीधा वीडियो में चलते हैं। सो यस गाइस, बाय द वे आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा भी LLB का एग्जाम्स चल रहा है। सो LLB के एग्जाम्स के टाइम पे सच बात बताओ तो मैंने बुक्स भी नहीं खरीदे हुए हैं। जो हमको क्वेश्चन बैंक मिला है कॉलेज से वही मैं पढ़ रही हूँ, वो भी थोड़ा ही पढ़ पा रही हूँ। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बुक भी पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, क्योंकि आई एम नॉट सो सीरियस अबाउट दिस। बट CS के टाइम पे जैसे कि मैंने कहा, मुझे बहुत होता था कि मुझे सब कुछ पढ़ना है। तो मेरा जो पेपर था वो 2 से 5 बजे के बीच में होता था, ठीक है। मेरा सेंटर भी 15 मिनट दूर होता था मेरे घर से, लक्कीली। तो मैं घर पे समझ लो 5:20 तक 5:25 तक मैक्स आ जाती थी। अब जैसे मैं घर आती थी ना, मुझे आदत थी चाय पीने की, क्योंकि शाम का भी टाइम था। तो द फर्स्ट थिंग विच आई यूज टू डू वॉज आई यूज टू रिवाइज ऑल ऑफ माई माइंड मैप्स, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है जो मुझे अभी रियलाइज हो रही है कि मैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ती थी। बिकॉज आप सबसे पहले जब अपने माइंड मैप्स हो गए, आपके क्लासेस के नोट्स हो गए, कुछ भी रिविजन के लिए आपने बनाया होगा, वो पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर एक तसल्ली आती है कि हाँ मैंने पढ़ा। शॉर्ट फॉर्म में तो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में तो शॉर्टकट में, पर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले आके मैं मेरे जितने भी चैप्टर्स के मैंने माइंड मैप्स बनाए हुए थे वो सब पढ़ लेती थी, ओवरव्यू ऊपर ऊपर से, मतलब सब स्कैन करती थी। इन डेप्थ पढ़ने का टाइम तो होता ही नहीं था, सब ऊपर ऊपर से देखती थी कि हाँ इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। अब वो मेरा समझ लो 8 बजे तक हो जाता था सब कुछ, ठीक है। फ्रेश भी हो जाती थी, माइंड मैप्स वगैरह देख के भी हो जाते थे, चाय वगैरह भी पी लेती थी। अब 8 बजे मेरा खाने का टाइम होता था, 8 से 8:30, 8 से 9 मैं खाती थी। अब 9 से 11 बजे तक मैं स्कैनर्स, अब मेरा रिविजन का माइंड मैप्स, देखा माइंड मैप्स की वजह से मेरा कितना जल्दी पूरा पोर्शन रिवाइज हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप्स की वजह से मेरा पूरा पोर्शन। मैं घर पे 5:30 को आती थी, 5:30 to 8 के बीच में पूरा पोर्शन मेरा हो जाता था। उसके बाद मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक स्कैनर्स सॉल्व करती थी। स्कैनर्स मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी, जितना मैं रिविजन अच्छे से नहीं करती थी उतना अच्छे से मैं स्कैनर्स सॉल्व करती थी। बिकॉज आई न्यू कि इससे कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही ICS है। और वो सॉल्व करते करते मैं 2 आंसर्स लिख भी लेती थी, क्योंकि कल ही मुझे लिखना है यार, तो मेरे पास राइटिंग प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, मेरा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है चलते टाइम, लिखते टाइम मुझे पता होना चाहिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं करती थी रात को। अब रात को वो सब, मेरा तो 2 बजे पेपर हुआ करता था, तो मैं रात को लेट तक पढ़ सकती थी। तो मुझे मन किया तो मैं रात को ही मॉड्यूल भी पढ़ती थी ऊपर ऊपर से, ठीक है। आप, मैं पढ़ना बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम अच्छे से 1:1 वर्ड, नहीं, सब कुछ ऊपर ऊपर से, एकदम ऊपर ऊपर से देखती थी कि इसमें क्या था, उसमें क्या था। रात ही को मॉड्यूल पढ़ लेती थी, या फिर मैं बहुत थक जाती थी तो मैं सो जाती थी, और सुबह उठ के मैं मॉड्यूल पढ़ती थी। सुबह उठ के मॉड्यूल पढ़ने में पूरा 2 बजे तक का टाइम तो जाता नहीं, मैं 1:30 तक 1:20 तक मेरे घर से निकलती थी, तब तक का मेरे पास टाइम था। मॉड्यूल मतलब मेरा हार्डली 2 घंटा, हार्डली मैक्सिमम बता रही हूँ 2 घंटा, उसमें जितना होता है उतना। उसके बाद मैं सुबह उठ के वापस सब कुछ माइंड मैप्स रिवाइज करती थी, वापस स्कैनर्स देखती थी। मतलब जब तक मैं 2 बार रिवाइज ना करूँ ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। एंड जो भी बता रही हूँ सब सच बता रही हूँ, कुछ हवा हवाई बातें नहीं बता रही हूँ। मैं सुबह उठ के वापस माइंड मैप्स देखती थी, वापस स्कैनर्स देखती थी, तब जाके मुझे आता था कि हाँ अब मैं पेपर दे सकती हूँ। तो ये तो हो गया मेरा रूटीन। अब मैं आपको बताती हूँ, आपका, मैंने देखा आपका जो पेपर है वो 12 बजे तक है, राइट, 9 से 12 बजे तक का आपका पेपर है। तो आप समझ लो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक आओगे, है ना। अब जैसे ही आप 1 बजे घर पर आओगे, इट्स अप टू यू कि आप पहले फ्रेश होना चाहते हो, आप पहले खाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। बट मैं आपकी जगह पे होती तो सबसे पहले आके मैं कुछ फ्रूट्स या फिर जूस, ऐसा मिनिमल कुछ ऑप्ट करती, जिसके साथ ही साथ मैं मेरा रिविजन करती, ठीक है, क्योंकि भूख तो लगने वाली है। तो मैं वो भूख कैसे मिटाती, फ्रूट्स खा के या जूस पी के, कुछ मिनिमल,
ताकि मैं पढ़ पाऊँ साथ ही साथ। मैं आकर ही पढ़ती थी, मैं आकर सोती होती कुछ नहीं थी, मेरे को पहले पढ़ना होता था तब जाके मुझे अच्छी नींद आती थी। आपका हो सकता है आपको पहले सोना हो फिर अच्छी नींद आए, इट्स ऑल अप टू यू, बट मैं बता रही हूँ कि ऐसा करो, आके सबसे पहले थोड़ा पढ़ो, और वो भी आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, आपके रिविजन नोट्स से। ओके, जो भी आपका रिविजन नोट्स है, क्लासेस से कुछ नोट्स मिला होगा, आपने खुद कुछ माइंड मैप्स इंडेक्स वर्किंग बनाए होंगे, वो सबसे पहले निपटा लो, हर एक सब्जेक्ट का निपटा लो, वो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए। सेकेंड टारगेट आपका होगा स्कैनर सॉल्विंग, आपको हर एक सब्जेक्ट का स्कैनर सॉल्व करना है, हर एक चैप्टर का स्कैनर सॉल्व करना है, वो भी क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों देखना है, एकदम अच्छे से करना है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो टेंशन मत लो, उस टाइम पर आपका एकदम क्विकली मिनटों में एक एक चैप्टर का स्कैनर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको बस ऊपर ऊपर से देखना है। प्लस दो आंसर्स तो लिख ही लेना, ये आपको बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। आप दो आंसर्स लिखोगे ना, आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि आपके ब्रेन को हैबिट होगी लिखने की कि हाँ भाई मैं ऐसे अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। आपकी मिस्टेक आपको तभी समझ में आ जाएगी, एग्जाम में फिर वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। तो रात को दो आंसर्स लिख भी लेना, एंड इट्स अप टू यू कि आप अभी रात को मॉड्यूल सॉल्व करना चाहते हो कि सुबह उठ के। बट मॉड्यूल का भी आप ऐसे चैप्टर्स देखना मॉड्यूल के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने रिवाइज करे हुए हैं, कुछ नया उस दिन पर ट्राई करने की कोशिश मत करना, कुछ भी नया उस दिन पर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है बस वही रिवाइज करना है वो दिन पर। ओके, एंड आपका सुबह 9 बजे एग्जाम्स है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग 12 बजे तक तो सो ही जाना, ताकि आप सुबह फिर 7 बजे उठ के थोड़ा पढ़ना हो, फ्रेश होना, वो सब कर सको। सो यस गाइज, आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको वो एक दिन में कैसे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। मैंने तो आपको बहुत इजीली बता दिया कि पहले रिविजन नोट्स देखो, फिर स्कैनर करो, फिर मॉड्यूल देखो, बट ये सब इम्प्लीमेंट करना इट्स अप टू यू। ये इजी है, हार्ड नहीं है, ये मैं बोल सकती हूँ, प्रोवाइडेड अगर आपने अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो वो एक दिन में पढ़ना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस स्मार्टली पढ़ना इज अ थिंग। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।